दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है कि डॉग फूड को कैसे अपने पपी को दे, आई मीन पानी में भिगो के दे या सिर्फ ड्राई दे, तो डेफिनेटली आप सही वीडियो देख रहे हैं। सो हेलो, वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है डॉग्स वर्ल्ड चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सही तरीका डॉग फूड अपने पपी को देने का, जिससे कि आपका पपी फूड को आराम से खा सके एंड डाइजेस्ट भी कर सके। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड ऑल्सो बेल आइकन को क्लिक करें फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो दोस्तों ये है ड्राई डॉग फूड एंड इस वीडियो में मैं जो डॉग फूड यूज कर रहा हूँ वो है पेडिग्री पपी ड्राई डॉग फूड। पेडिग्री कंपनी के डॉग फूड के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देखें। सो दोस्तों अगर आप अपने पपी को पानी में भिगो के डॉग फूड देना चाहते हैं तो पैक में दिए गए फीडिंग गाइडलाइन देख के डॉग फूड ले ले। जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ अराउंड 1 कप। अब मैं 1 कप गर्म पानी इसमें ऐड करूंगा। एंड फूड को अच्छे से मिक्स करूंगा जिससे के फूड अच्छे तरह से सोक हो जाए। सो अब मैं फूड को 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का फूड रहेगा तो लाइट गर्म पानी में भी अच्छे से सोक हो जाएगा, जैसे कि रॉयल कैनिन का ड्राई डॉग फूड। लेकिन अगर आप पेडिग्री या पेडिग्री के टाइप का फूड यूज करते हैं तो पानी को अच्छे से गर्म करके ही डालें, नहीं तो डॉग फूड अच्छे से सोक नहीं होगा। सो दोस्तों इस टिप को जरूर याद रखें। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं डॉग फूड जो के अच्छे से सोक हो चुका है एंड ये अभी भी थोड़ा गर्म है। सो हम थोड़ा ठंडा करके अपने पपी को देंगे। याद रखें दोस्तों थोड़ा ही ठंडा करें, एकदम ठंडा मत करें। एकदम ठंडा फूड पपी को खाने का इंटरेस्ट कम रहता है। सो आप देख सकते हैं फूड जो के सोक होके एकदम सॉफ्ट हो चुका है, अभी हम ये फूड अपने पपी को दे सकते हैं। दोस्तों इस फूड को आपका पपी बहुत ही आराम से खा सकता है एंड ऑल्सो इजिली ये फूड डाइजेस्ट भी हो जाएगा। उसके साथ फूड में पानी रहने से आपके पपी का बॉडी में पानी का संतुलन भी बना रहेगा। अगर आपके पास 45 डेज का पपी है एंड आप उसे स्टार्टर फूड देना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा जरूर फूड को पानी में सोक करके दे, जिससे के पपी को इजी रहे खाने में एंड ऑल्सो डाइजेस्ट करने में। अब मैं बात करूंगा अगर आपका पपी का 3 मंथ से ज्यादा एज हो चुका है एंड आपका पपी वेट फूड खा के बोर हो चुका है या अभी उसे ड्राई फूड खाना अच्छा लगता है, देन आप उसे ड्राई भी दे सकते हैं, क्योंकि हर डॉग फूड को डॉग के एज एंड ब्रीड के हिसाब से बनाया गया है जिससे आपका पपी आराम से खा सके। पपी एंड डॉग के दांतों के अनुसार ही डॉग फूड को बनाया गया है जिससे आपका पपी इजिली फूड को चबा सके। दोस्तों ड्राई डॉग फूड खाने से आपका पपी या डॉग का दांतों का क्वालिटी अच्छा होता है एंड ऑल्सो चबा के खाने के वजह से डॉग को खाने में इंटरेस्ट भी बना रहता है। दोस्तों यहाँ पे 2 चीज जरूर याद रखें, एक तो ऑलवेज पैक पे दिया गया फीडिंग गाइडलाइन देख के ही अपने पपी को फीड करें, प्लीज ओवरफीड ना करें, एंड सेकेंड फूड के साइड में ऑलवेज पानी दे जिससे पपी या डॉग अपने जरूरत अनुसार पानी पी सके एंड फूड गले में ना अटके। सो दोस्तों इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप ड्राई दे या वेट फूड दे अपने पपी या डॉग को, लेकिन अगर पपी का एज अंडर 90 डेज है तो मैं सजेस्ट करूंगा फूड को पानी में भिगो के ही दे, बाद में आप चाहे तो ड्राई भी दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आप सभी को एक क्लियर
नया नॉलेज मिल गया होगा। अगर अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों मैंने कुछ अच्छे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज ऑलवेज मेरे दिए गए लिंक से ही बाय करें, जिससे आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले एंड मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले। एंड इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन वीडियो को भी जरूर देखें। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। सो दोस्तों आज के लिए अलविदा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल्सो योर पेट।